हेलो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी करंट अफेयर में रिवीजन में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। यहाँ पे हम प्रीलिम्स 2018 के लिए जो करंट अफेयर रिवाइज है वो करेंगे पॉलिटी का। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर की जो आज सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है कोलिजियम में ट्रांसपेरेंसी को लेकर का आर्टिकल है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इस आर्टिकल में ये था कि भाई कोलिजियम सिस्टम ने कहा कि जो भी कई बार कोलिजियम पे एक आरोप लगता है वो आरोप ही लगता है कि भाई कोलिजियम में क्या कि कोई पारदर्शिता वगैरह नहीं है, और इसलिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, भाई भतीजावाद का काफ़ी इशू रहता है कि नेपोटिज्म को प्रमोट किया जाता है और किसी को भी सीनियर जज वगैरह एलोकेट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई क्लियर प्रावधान नहीं किया गया है कि भाई कौन जज कैसे बनेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो कोलिजियम सिस्टम पर कई बार ऐसे ट्रांसपेरेंसी का आरोप लगता है, तो इसीलिए कोलिजियम सिस्टम ने ये बोला कि भाई ठीक है, हम जब भी आगे कोई भी जज वगैरह को अपॉइंट वगैरह करेंगे तो उसके जो भी डाटा वगैरह है उसका पब्लिक डोमेन में वो रखा जाए। तो देखो इस चीज को लेकर कुछ इश्यूज वगैरह भी आए थे। कुछ इश्यूज इस प्रकार आए थे कि भाई आप डाटा अगर पब्लिक डोमेन में रख रहे हो तो जिन जजों को एक्चुअली अपॉइंट नहीं किया जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि वो जज एक्चुअली उसके लायक नहीं है, तो लोगों के मन में उसके लिए रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी की इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही जिन जजों को अपॉइंट किया जाएगा उनकी डिटेल सामने लाई जाएगी, तो वो तो केवल अपॉइंटमेंट के बाद लाई जा रही है ना भाई, उनको तो अपॉइंट कर दिया गया, उसके बाद आप पब्लिक डोमेन में उसके बारे में डिटेल लाओ या नहीं लाओ तो कोई मतलब नहीं है। या तो आपको डिटेल पहले लानी चाहिए, और अगर आप पहले लेके आते हो तो फिर वही रेपुटेशन का इश्यू हो जाता है कि दो जजों में से अगर किसी एक को आप सीनियर बना रहे हो एक को नहीं बना रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, लोग समझें कि भाई जो पहले और जिसको सीनियर नहीं बनाया मतलब वो इस लायक नहीं है, तो उससे उसके पास फिर केसेस वगैरह नहीं लेके जाएंगे लोग, तो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशियरी के लिए वो अच्छी चीज़ें वो नहीं है। इसके साथ ही एक चीज़ ये थी कि भाई एनजेसी है गवर्नमेंट लाइन लाने की से कोशिश की थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को भी कैंसिल है वो कर दिया था, क्योंकि एनजेसी लाया जा रहा था मेनली कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए। तो वो कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कोलिजियम सिस्टम में टोटल 5 जज होते हैं, एक तो सीनियर जज होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो कुल मिला के इसमें 5 जजेज होती हैं। ये कोलिजियम सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ थी। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है ट्रिब्यूनल एंड लॉ कमीशन के बारे में। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। ट्रिब्यूनल एंड लॉ कमीशन के बारे में आर्टिकल ये था कि भाई आजकल मुद्दा ऐसे हो रहा है कि जो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई ट्रिब्यूनल है ना वो एक्चुअली आजकल हाई कोर्ट को बाईपास कर रहे हैं। क्यों बाईपास कर रहे हैं, कंटेक्स्ट एक था, क्योंकि ट्रिब्यूनल का जो भी केसेस होता है ना उसके अगर डिसीजन के आपको अगेंस्ट जाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट एक्चुअली आपको जो PIL वगैरह वो जारी करनी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई कोर्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, और जो ट्रिब्यूनल है वो हाई कोर्ट के जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में तो ये सीन हो जाएगा कि लोग डायरेक्टली ट्रिब्यूनल जाएंगे और ट्रिब्यूनल से फिर डायरेक्टली केस है वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि अदरवाइज प्रोसीजर ये होती है कि पहले डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट पे केस जाता है, और उसके बाद केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो ट्रिब्यूनल है वो जो हाई कोर्ट का जो रूल वगैरह है उनको कहीं ना कहीं बाईपास कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए हाई कोर्ट के जजों के पास धीरे धीरे टैलेंट भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के जजों के पास कोई केस ही नहीं जा रहा है, तो अच्छी बात थोड़ी है, उनको एक्सपीरियंस वगैरह कहाँ से होगा अगर भाई सारे ऐसे केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने लग गए। तो ये सारा कुछ इश्यू था। तो हम यहाँ पे ट्रिब्यूनल के बारे में देख लेते हैं, वो UPSC पूछ सकती है। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ट्रिब्यूनल है वो इंडिया में स्टार्टिंग से नहीं थे, इसको 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उस टाइम पे सरवणन सिंह की एक कमेटी बनाई गई थी। तो ये कमेटी आपको याद रखनी है कि सरवणन सिंह कमेटी थी, वो ट्रिब्यूनल बनाने के लिए थी, उसके सुझाव पे इसे ऐड है वो किया गया था हमारे संविधान में। अब बात क्या है, ट्रिब्यूनल होती है उसके पास देखो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, कुछ एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है और कुछ कोर्ट की तरह भी पावर होती है। मतलब ट्रिब्यूनल है उसके पास कोर्ट की तरह भी पावर है, वो कोर्ट की तरह भी काम करती है और एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह भी काम करती है, मतलब दोनों का एक तरह से मिला जुला रूप होता है ट्रिब्यूनल। जैसे कि आप देख सकते हो नेशनल ग्रीन लॉ ट्रिब्यूनल है NGT, सेम वो क्या है, वो एक ट्रिब्यूनल है और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि ट्रिब्यूनल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जो कि कोई भी विवाद वगैरह होते हैं उनसे निपटाने के लिए, और ये पर्टिकुलरली अपने एरिया में स्पेशलिस्ट होती है, मतलब कि इन्वायरमेंट से संबंधित है तो NGT के पास जाएगा, या फिर किसी और एरिया से टेलीकॉम से संबंधित है तो फिर टेलीकॉम की जो ट्रिब्यूनल है उसके पास किया जाएगा। तो इसमें पहले पर्टिकुलर जो स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं उनका मेंबर होता है और वो उसका सोल्यूशन है वो करते हैं। पावर होती है इनकी लिमिटेड होती है, केवल जो इनका एरिया होता है उसी एरिया में काम कर सकते हैं, जैसे NGT है वो केवल ग्रीन वाले या इन्वायरमेंट से संबंधित एरिया में ही काम है वो कर सकती है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हुआ है FTII के बारे में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। यह एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि आता है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह कि इंडिया का यह प्रीमियर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में जो भी कोई फिल्म वगैरह बनती है तो उसको सर्टिफाइड वगैरह करने का काम है वो कौन करता है, वो करता है FTII, सॉरी वो तो कहता है सेंसर बोर्ड। यहाँ पे FTII का मतलब क्या है कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हो रही है या फिर फिल्म वगैरह बन रही है तो उसके बारे में उसके बारे में जो बेसिक काम होते हैं वो सारे किए जाते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में।
इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि FTII है वो इंटरनेशनल लेसन सेंटर ऑफ स्कूल एंड सिनेमा एंड टेलीविजन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी एक हिस्सा है, इसका भी सदस्य है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, UPSC स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो CILETCT का सदस्य है या नहीं, तो हाँ भाई इसका सदस्य है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है उसके बारे में। तो क्या है प्रो बोनो में? प्रो बोनो एक एप्लीकेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि कुछ लॉयर वगैरह या कुछ वकील वगैरह वो क्या करते हैं, वो ये जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प तो करना चाहते हैं बट वो उनके पास पहुँच नहीं पाते हैं। मतलब जैसे कोई भी आदमी है, जैसे आप ये मान लो कि दिल्ली में कोई भी लॉयर है, अगर वो गरीबों की हेल्प करना चाहता है और हो सकता है कि वो गरीब किसी दूसरे स्टेट में हो, तो उनकी हेल्प कैसे कर पाएगा? मतलब वहाँ तक पहुँचना तो पॉसिबल होता नहीं कि भाई वो जाके हेल्प कर पाए जगह जगह, कि वो चीज़ उसके लिए भी फिर पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसीलिए गरीब लोग हुए या फिर जो हमारी सोसाइटी के लोअर क्लास के लोग हैं जिनके जिनको एक जो लीगल सर्विसेज हैं वो नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, गरीब लोग जो भी जिनको भी कोई सोल्यूशन चाहिए वो अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल देंगे, और जो अमीर लोग मतलब यहाँ पे सॉरी जो वकील वगैरह है वो क्या करेंगे, वो अपनी भी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे कि हाँ भाई मैं गरीबों के लिए फ्री में केस वगैरह लड़ना चाहता हूँ, तो अगर किसी को भी कोई कुछ इश्यूज हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट वगैरह ऐसे किसी को। तो मतलब एक तरीके से प्लेटफॉर्म होगा ना, तो यहाँ पे वकील और जो गरीब लोग हैं जिनको भी जरूरत है इन चीज़ों की वो आपस में कम्युनिकेट होकर करेंगे और फिर उस तरीके से आगे एक्शन है वो ले सकते हैं। तो मान ली प्रो बोनो जो ऐप है वो गरीब लोगों को जो लीगल सर्विस है वो प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये नेक्स्ट आर्टिकल अब है OBC में, एक OBC की जो क्लास है इसके अंदर सब कैटेगरी बनाने की बात है उसको लेके। तो ये आपको ये ध्यान रखना कि जी रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस जी रोहिणी, जो कि आर्टिकल 340 के तहत बनाई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना कि जस्टिस जी रोहिणी पैनल या जस्टिस जी रोहिणी कमेटी UPSC डायरेक्टली पूछ सकती है। क्या था इसमें, ये था कि OBC जो क्लास है इसके अंदर काफ़ी कैटेगरीज आती हैं, तो कई बार ऐसा आरोप लगता है कि जो बाकी अंदर कैटेगरीज आते हैं इनको प्रॉपर ढंग से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ गिनी चुनी कैटेगरी हैं OBC के अंदर वही लाभ आरक्षण का फायदा उठा रही हैं। इसलिए ये डिसाइड किया गया भाई OBC का जो 27% जो आरक्षण है ना, इसको भी एक्चुअली वापस इसके अंदर जो कैटेगरी बना के डिवाइड कर दिया जाएगा कि भाई 27 में से 5% तो इस क्लास को मिलेगा, इस कैटेगरी को मिलेगा, 2% इस कैटेगरी को मिलेगा, 10% इस कैटेगरी को, ऐसे डिवाइड करने की बात है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में। तो देख लेते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी मूवमेंट है वो क्या है। देखो ये एक ऑटोनोमस सबसे बड़ा आती है कि एसोसिएशन है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं वो एक ऑटोनोमस एसोसिएशन है जो कि एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम देखो रहता है कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना होता है और आपस में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव करता है उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट है वो भी बढ़ने वाला है। जिसका आप देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह का, वो है अमूल डेयरी। अमूल डेयरी है वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ही बनाई गई थी, और इसमें क्या होता है किसानों ने आपस में मिलकर ग्रुप बना लिया। देखो बात ऐसी है जैसे कि एक किसान अलग अलग है, एक किसान अगर अपनी फसल वगैरह अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेचने जाएगा तो उसे इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी फसल वगैरह के उचित दाम उसे नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे माहौल में क्या होगा, अगर बहुत सारे किसान या किसी गांव के एरिया के या फिर किसी सिटी वगैरह के सारे किसान एक साथ मिलकर ग्रुप बना लें और वो डिसाइड करें हाँ भाई हम ये फसल है यहाँ पे बेचेंगे इस रेट पे, तो क्या होगा कि वो अपनी फसलों के उचित दामों वो ले सकते हैं और जो भी ट्रेडर्स वगैरह हैं उनसे आपस में एक तरीके से माल जो माल भाव है वो भी कर सकते हैं, तो उससे उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो स्टार्ट होते थे हमारे देश में आज़ादी से पहले भी, गांधी जी के टाइम पर भी इस तरह के मूवमेंट होते थे। तो यहाँ पर एक UPSC आपसे ये पूछ सकती है कि हमारे संविधान में इसके बारे में उल्लेख है नहीं है। हाँ तो जी, हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। कौन से आर्टिकल में? एक तो है आर्टिकल 191C में और एक है आर्टिकल 43 डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है वहाँ पे DPSP में। तो वहाँ भी ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई कोऑपरेटिव मूवमेंट्स वगैरह, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वो हमारे संविधान में मेंशन है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है ई समीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में। क्या है ई समीक्षा प्लेटफॉर्म, देखते हैं। देखो प्रधानमंत्री ने समीक्षा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब कोई भी जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है तो प्रधानमंत्री इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, कितना पेंडिंग है, क्या क्या उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि सारी डिटेल उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पर डालनी होंगी। यह एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड कंप्लेन मैकेनिज्म है जो कि डेवलप की गई है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा एंड नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है, यह मेरे लिए गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट संस्था है जो कि गवर्नमेंट की इंटरनेट वगैरह की साइट वगैरह का जो भी कुछ काम है सर्वर वगैरह का वो सारा काम किया जाता है इसके द्वारा।
अब बात ऐसी है, इससे फायदा क्या होगा, ई समीक्षा एप्लीकेशन से, इस एप्लीकेशन या इस पोर्टल से फायदा होगा कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी सिक्योर की जाएगी और मॉनिटरिंग भी होगी। देखो कई बार क्या होता है हमारे देश में कि जो बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनके पास फाइल पहुँच ही नहीं पाते, बीच में छोटे मोटे बाबू या जो छोटे लोग होते हैं, मतलब जो लोअर क्लास के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि फाइलों को अंदर ही दबा देते हैं पैसे वैसे या करप्शन के चक्कर में। तो बड़े अधिकारी तक जब फाइल नहीं पहुँच पाती तो उस पर एक्शन नहीं ली जाती है। इसीलिए अगर जब ये ई समीक्षा प्लेटफॉर्म हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि प्रधानमंत्री किसी भी एप्लीकेशन या कोई भी कंप्लेन होगी उसको प्रॉपर जांच कर सकें कि हाँ भाई ये फाइल कहाँ रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, तो जो भी अधिकारी है उससे रिलेटेड उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है वो सिक्योर हो जाएगी, इसका मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। इसके साथ ही इसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन वो भी कर सकते हैं कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को मैसेज भेज सकता है कि हाँ भाई आपकी फाइल पेंडिंग क्यों, आप फाइल क्यों नहीं भेज रहे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, या फिर मेल वगैरह भी कर सकते हैं। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आपस में सहयोग वो कर रही है। तो यह एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है, वो होगा ई समीक्षा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट चमन के बारे में। क्या है प्रोजेक्ट चमन भाई? प्रोजेक्ट चमन है वो है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इस प्रोजेक्ट में ये है कि जो भी हॉर्टिकल्चर है उसको प्रमोट करना है, सीधी सीधी बात तो ये है। अब उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट वो हो सकते हैं, तो इसमें ये देख लेंगे भाई इस प्रोजेक्ट चमन को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कर रहा है नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट हो किया जा रहा है। अब इसमें होगा यही कि नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग जो सेंटर है ये क्या करेगा कि ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा सभी एरिया की, फिर ये देखेगा कि भाई कौन से एरिया में किस तरह की हॉर्टिकल्चर की फसल हो सकती है कि जैसे भाई इस वाले एरिया में आम की फसल अच्छी हो सकती है, इस वाले एरिया में केले की फसल अच्छी होती है, इस वाले में अंगूर की फसल अच्छी होती है, इस वाले में सब्जियाँ अच्छी होती है। तो क्या करेगा, एक तरीके से रिमोट सेंसिंग के द्वारा हॉर्टिकल्चर का डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद लोगों को बताएगा कि भाई आप इस वाले एरिया में ये फसल बोओगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है, ये आपके लिए यहाँ पे सूटेबल भी रहेगी, तो प्लीज़ आप यहाँ पे फसल बोइए। तो इससे हॉर्टिकल्चर क्या होगा, प्रमोट किया जाएगा, तो ये काफ़ी सपोर्ट वो मिलेगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है किसानों को पता नहीं होता कि ये वाली फसल आप उन वाले एरियो में सूटेबल है या नहीं है, तो ऐसे माहौल में क्या किसान अगर जानबूझ के अगर ज़बरदस्ती उस फसल को बोएंगे तो उनको लॉस भी हो सकता है, काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट उनको बता देगी इस एप्लीकेशन के थ्रू कि हाँ भाई आप यहाँ पे ये फसल बोओगे तो आपको प्रॉफिट होने वाला, क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल भी है और ये आपके लिए बेनिफिट भी रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिशन भागीरथ के बारे में। मिशन भागीरथ है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, यूपीएससी स्टेट से रिलेटेड भी कई बार स्कीम वगैरह पूछ लेती है। इस स्कीम में ये क्या गया है कि भी जो भी घर है, सभी घर हैं, सभी घरों को पानी की आपूर्ति है वो की जाएगी नर्दियों वगैरह के थ्रू, और जो पाइपलाइन पहुँचाई जाएंगी सभी घरों तक पानी की, उस पाइपलाइन में ऑप्टिकल फाइबर का भी काम है वो किया जाएगा ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड है वो की जा सके। तो यह है मिशन भागीरथ तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है वो है टीके विश्वनाथन कमेटी। टीके विश्वनाथन कमेटी है वो इंटरनेट पे जो हेट स्पीच होते हैं उनको काउंटर करने के लिए बनाई गई है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कमेटी मैच द फुलंग यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एमपीएलएडी स्कीम के बारे में, एमपीलेड स्कीम, जो कि एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। ये मैंने 93 में आई थी 1993 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में स्कीम है वो आई थी, इस मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम है वो लिखी गई थी। इस स्कीम में ये होता है कि भाई हर एमपी को क्या करते हैं, हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं कि भाई आप अपने एरिया में डेवलपमेंट वगैरह कीजिए, और ये नॉन लैप्सेबल फंड है वो होता है कि ये 5 करोड़ रुपये एमपी एक साल में भी खर्च कर सकता है, अगले साल भी खर्च कर सकता है, मतलब हर महीने हर साल एक्सटेंड होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक साल उन्हें खर्च नहीं किया तो फिर खत्म हो गया, ऐसा सीन इसमें नहीं होता है। इससे ये फायदा होता है कि उस वाले एरिया में हेल्थ सेक्टर में भी एमपी फोकस कर सकते हैं, एजुकेशन वाले एरिया में भी, वाटर सप्लाई वगैरह में, या फिर बिजली वगैरह कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पे चला सकते हैं। न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भी एमपीएलएडी स्कीम में इसका काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ इस तरीके से हो रहा है कि जो मेंबर ऑफ जो एमपी वगैरह होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या करते हैं स्टार्टिंग के 4 साल तो कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं, और 5 साल पैसा इकट्ठा हो जाता है टोटल 25 करोड़, फिर इस 25 करोड़ रुपये को एक साथ खर्च करते हैं। जब एक साथ खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को मैनिपुलेट किया जाएगा कि लोग सोचते हैं कि यार देखो हमारा एमपी तो काफ़ी सारे पैसे खर्च कर रहा है एमपी, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को वोट वगैरह के चक्कर में इफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से अच्छी बात नहीं। क्योंकि देखो वैसे तो मिले हर साल को 5 करोड़ रुपये, तो उसको स्टार्टिंग से देखा जाए तो हर साल रुपये खर्च करने चाहिए थे ताकि लोगों को उसका बेनिफिट वो मिले, बट लास्ट में क्या करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग वेपन के रूप में इसका यूज़ करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया था कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी वो लाई जा सके। तो ये एमपी लेड स्कीम आपको ध्यान रखनी है कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्या इसमें प्रावधान है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है येरुकुंडला ट्राइबल के बारे में। तो येरुकुंडला जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में मोस्टली रहती है, बट इसके अलावा इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन वाले स्टेट्स में भी है नॉर्मली
पाई जाती है। तो यूपीएससी जैसे स्टेटमेंट देगी, ऑप्शन देगी, तो ऐसे दे देगी आंध्र प्रदेश दे दिया, या फिर दे देगी, फिर जैसे दे देगी कि नॉर्थ ईस्ट का कोई अरुणाचल प्रदेश दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया, जम्मू एंड कश्मीर दे दिया, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से स्टेटमेंट दे देती है, तो आप कई बार तो उसको इजीली फाइंड आउट वो भी कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ ये है कि येरोकुला जो ट्राइब्स थी, इसको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत रखा गया था ब्रिटिश के द्वारा। अब जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अंग्रेज लोग उस टाइम ये लेके आते हैं कि वो, तो कई बार क्या होता था कि कुछ ट्राइब है वो अंग्रेजों को काफ़ी परेशान करती थी, मतलब उनको काफ़ी तोड़फोड़ करती थी, काफ़ी उनके नुकसान पहुँचाती, तो ऐसे माहौल में क्या करते थे अंग्रेज ना, उस ट्राइब को एक तरह से क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दे देते हैं, ताकि वो ट्राइब है इधर उधर मतलब कोई भी कुछ एक्टिविटीज़ ना कर सके, क्योंकि उसकी हर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता था और उसको एक पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए रख दिया जाता था कि अभी इस एरिया में ही रही है। तो अभी ये ट्राइब है, मैंने आंध्र प्रदेश के एरिया में थी, बस आज़ादी के बाद इस ट्राइब को कुछ ऐसा सीन नहीं रहा। तो यूपीएससी पूछ सकती है येरोकुला ट्राइब के बारे में कि कहाँ से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पार्लियामेंट के सेशन के बारे में, क्योंकि देखो आपको पता है कि इस बार हमारा पार्लियामेंट का सेशन है वो काफ़ी डिले हुआ था। नॉर्मली पार्लियामेंट का सेशन है जो विंटर सेशन वो होता है नवंबर के सेकंड थर्ड वीक में, बट इस बार हुआ था दिसंबर के थर्ड वीक में, तो काफ़ी डिले चला था, उसके बारे में कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे आए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि भाई पार्लियामेंट के एक साल में कम से कम दो सेशन तो होने चाहिए, क्योंकि हर पार्लियामेंट के सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। तो मतलब 6 महीने देखा जाए तो एक बार एक सेशन हो गया, उसके बाद अगला 6 महीनों में होगा, तो मतलब एक साल में दो सेशन तो कंपलसरी है ही है। बट हमारे देश में नॉर्मली 3 सेशन होते हैं, एक तो होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। तो इस तरीके से टोटल 3 सेशन होते हैं, तो इस बार विंटर सेशन में काफ़ी डिले वो हुई थी। और एक बात ये सामने आई थी कि भाई इस बार की जो मीटिंग भी है, जो पार्लियामेंट की मीटिंग, वो भी बहुत कम होती जा रही है। स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जो पार्लियामेंट थे वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए मिलती थी, और आज हमारी पार्लियामेंट वो बहुत कम टाइम के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल जुडिशरी पे कमीशन के बारे में। नेशनल जुडिशियल जो पे कमीशन है, यह मेनली कैबिनेट कमेटी ने इसको अनुमति दी है कि भाई आप सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है वो बनाइए। क्यों, किस लिए बनाया जा रहा है? यह इसलिए बनाया जा रहा है कि देखो जिले लेवल के ऊपर जो भी जज होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनकी पे स्ट्रक्चर के बारे में सुझाव देने के लिए, उनकी पे स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये कमेटी है, कमीशन है बनाया गया है। किसकी अध्यक्षता में यह बनाया गया है? जेपी वेंकटराम रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी या पैनल है वो बनाया गया, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है छोटा सा, वो है फर्स्ट वुमेन लॉयर ऑफ इंडिया के बारे में। तो वो कौन है, इसके बारे में गूगल डूगल से कुछ रिलेटेड आर्टिकल था। तो पहली महिला जो थी इंडिया की जो कि लॉयर बनी थी, वो थी कोर्नेला सौरभ जी, 1924 में है बनी थी, आज़ादी से पहले। तो कुछ ध्यान रख लेना, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है सागर कवच एक्सरसाइज के बारे में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सागर कवच एक्सरसाइज है वो आई है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा से स्टार्ट किया गया है। क्यों स्टार्ट किया गया है? क्योंकि देखो आपको एक चीज़ पता है कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला जो एरिया है, उस वाले एरिया से इंडिया में काफ़ी स्मगलिंग होती है, काफ़ी रिफ्यूजीज वगैरह भी आते हैं, जैसे कि म्यांमार वगैरह से आ जाते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, या फिर और वाले जो इंडोनेशिया बाकी वाले एरिया से जो रिफ्यूज वगैरह हैं वो इस वाले एरिया से ही आते हैं। तो इसलिए मतलब बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह के जैसे कि आपस में सिक्योर डाटा वगैरह को भी सिक्योर कर सकें, ऐसा नहीं हो कि उस वाले एरिया से ज़्यादा कि कई बार आतंकी हमला भी हो जाए। तो उन सबको काउंटर करने के लिए, पहले से सिक्योर करने के लिए सागर कवच एक्सरसाइज है वो इन दोनों गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा कोस्टल एरिया में सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है NFCH के बारे में, नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हारमोनी के बारे में। यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह मिनिस्ट्री बॉडी है वह आती है। काम क्या है इसका? इसका काम यह है कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, इसी के साथ अनाथ जो बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली जो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देती है, ताकि वो स्टडी वगैरह कर सकें, उनको जो भी बेसिक जरूरतें हैं वो अपनी पूरा कर सकें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी के बारे में, क्योंकि हर साल 25 नवंबर को कम्युनली हारमोनी फ्लैग डे वो मनाया जाता है, तो इस बार को लेकर कंटेक्स्ट था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट है वो इस बार मणिपुर में आयोजित किया गया था पहला समिट। क्यों? इसका मेन प्रावधान ये था कि भाई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को उस वाले एरिया में बढ़ने, देखो गवर्नमेंट ये चाह रही है हमारे देश की कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया का डेवलपमेंट करना कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद की जो भी नीति अपना के, तो इसलिए उस वाले एरिया में आजकल गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम चला रही है ताकि भाई उस वाले एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो एक तो हमारे साथ जो चाइना का जो भी इशू है, क्योंकि उस वाले एरिया का डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से चाइना भी वहाँ पर काफ़ी मैनिपुलेट हो करता रहता है, तो एक तो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर वाला एरिया सुरक्षित हो जाएगा, इसके साथ ही वहाँ से जो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम होती है शरणार्थियों की, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, और वहाँ पर नक्सलवाद की जो भी समस्या है तो उस समस्या को भी काउंटर किया जा सकता है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट है वह आयोजित किया गया था मणिपुर में, हुआ था पहला समिट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट के एरिया में डेवलपमेंट को लाना आगे।
अब देखते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल हुआ है पंचायती राज में जो वुमेन होती है उनको एम्पावर करने के लिए, तो आपको पंचायती राज के बारे में बताया कि यह टीयर थ्री लेवल की होती है। किस क्या है इसमें, पंचायती राज के द्वारा वुमेन को एम्पावर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, वो है क्या है वो प्रोग्राम, वो है इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें होगा ये कि देखो पहले तुम थोड़ा सा सीन दस हैं ओल्ड मतलब बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं। हमारे देश में क्या है कि पंचायती राज में वुमेन को एक तरीके से थोड़ा आरक्षण तो दे दिया गया है कि भाई आपको 33% आरक्षण है और आप इलेक्शन वगैरह लड़ के सीटों को कवर कर सकते हो। बट होता क्या है कि वुमेन इलेक्ट हो भी जाती हैं बट रियल पावर उनके पास नहीं होती है, रियल पावर होती है उनके फैमिली मेम्बर्स के पास, या तो उनके हस्बैंड हो या फिर उनके भाई वगैरह किसी और के पास, क्योंकि वही सारी चीज़ को कंट्रोल है वो करते हैं। तो राइटर का मतलब यहाँ पे ये गवर्नमेंट इसलिए लिखे ये प्रोग्राम ताकि वुमेन को भी एम्पावर किया जा सके और वुमेन खुद भी अपने डिसीजन ले सके, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पर निर्भर रहे, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल नॉलेज है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही उनको एजुकेशनल सेक्टर के बारे में भी फोकस किया जाएगा कि भाई आप इस तरीके से काम कर सकते हो ताकि वुमेन की जो भागीदारी है वो रियल रूप में हो सके, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में वुमेन का नाम चले बाकी सारे काम मेल के द्वारा किया जा सके। तो उनकी रियल जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो वुमेन को एम्पावर करने के लिए प्रोग्राम हो चलाया गया है। ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया वो आप देख लेना, यह इंप्लीमेंट किया गया वो किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल है वो है इंटीग्रिटी इंडेक्स के बारे में। इंटीग्रिटी इंडेक्स है वो हमारे देश की पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे कि गेल भेल वगैरह जैसे ये NTPC वगैरह, ये इसके साथ जो बैंक हैं वो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं और भी बाकी NFSCG वगैरह वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और भी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो और भी जो डिपार्टमेंट वगैरह मतलब सभी जो मैन मैन बॉडीज हैं डिपार्टमेंट है उन सबको एक रैंकिंग है वो प्रोवाइड करने के लिए है। अब इसमें होगा क्या, इसमें देखा जाएगा कि भाई कौन सी PSU कौन सा बैंक या कोई सी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह है वो प्रॉफिट में है और कितना उसका प्रॉफिट रहा है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, किस तरीके से वो काम करते हैं, सारे डाटा के बेसिस पे एक तरीके से इंडेक्स है वो जारी किया जाएगा। भाई ये रैंकिंग है ये बहुत अच्छी है मतलब ये इंस्टीट्यूट है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ भी अच्छी है, इसका प्रॉफिट भी अच्छा है, तो काफ़ी सारे डायमेंशन की वजह से ये इंडेक्स वो जारी किया जा रहा है। कौन तैयार कर रहा है इस इंडेक्स को, इस इंडेक्स को तैयार कर रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है उमंग एप्लीकेशन के बारे में। उमंग एप्लीकेशन है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे देश में देखो अभी हो यह रहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत ना हर एक डिपार्टमेंट और हर एक मिनिस्ट्री अपने अलग अलग एप्लीकेशन बना रही है, तो लोगों को ये बार पता नहीं चलता कि यार कौन सी मिनिस्ट्री की क्या है कहाँ क्या है, तो इसलिए एक ही एप्लीकेशन बना दिया गया ताकि सारी जो स्कीम वगैरह हो, अभी तक तो इसमें 100 से ज़्यादा जो सर्विसेज और स्कीम वगैरह हो इसमें एक एप्लीकेशन में ही रखी गई हैं। धीरे धीरे इसमें और भी स्कीम वगैरह को ऐड किया जाएगा, जैसे कि किसी को गैस पेमेंट करना है, पासपोर्ट वगैरह बनाना है, या फिर किसी को पब्लिक फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर आधार कार्ड से रखना है, तो वो सारे काम इसी एक एप्लीकेशन में सारे काम किए जाएंगे, सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े कि यार ये इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन है क्या काम करना है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है इंडिया रोड असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो ये चीज़ आपको देखने IRAP प्रोग्राम क्या है। यह मेनली इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भाई जो इंडिया के जो हाईवे हैं ना उनको सेफ्टी है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाएगी, मतलब जो इंडिया के हाईवे हैं नेशनल हाईवेज हैं उनको रैंकिंग देना किस आधार पे भाई उन पे सेफ्टी कितने किस तरीके वो बने हुए हैं, तो यह किसके द्वारा बनाया गया है, यह मेनली बनाया जा रहा है होस्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के द्वारा, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसमें डिफरेंट NGO वगैरह या डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में मिलकर आएंगे और एक तरीके से प्रोग्राम चलाएंगे, भाई आप सभी हाईवेज वगैरह को रेटिंग दीजिए लोग कस्टमर से कि आपका इस हाईवे पर ट्रेवलिंग की आपको कैसा फील हुआ, किस तरीके का हाईवे का डिज़ाइन वगैरह है, आपको फिजिक फैसिलिटीज मिली नहीं मिली, तो उनके आधार पर रैंकिंग वो जारी की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। क्या है पासपोर्ट इंडेक्स, यह मेनली जारी किया गया सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वो क्या गया है आर्टोन कैपिटल के द्वारा। आर्टोन कैपिटल है वो एक कनाडा बेस्ड इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर को फर्स्ट रैंक मिली है, 159 देशों की यात्रा सिंगापुर को कर सकता है इसका मतलब पासपोर्ट इंडेक्स है सिंगापुर का वो है 159। क्या होता है पासपोर्ट इंडेक्स वो हम देख लेते हैं। रैंकिंग अगर आपको देखो नहीं याद रखनी है क्योंकि रैंकिंग अगर आप याद करने बैठोगे तो बहुत सी रैंकिंग हो जाते हैं वो जो कि पॉसिबल नहीं है। पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब भी इस आधार पर जारी किया जाता है कि जैसे कि एक कंट्री का मेंबर से आप इसका एग्जांपल ले लो कि सिंगापुर की, सिंगापुर की रैंकिंग 159 है, इसका मतलब ये है कि सिंगापुर का जो मेंबर है ना सिंगापुर का जिसके पास पासपोर्ट है वो इंसान 159 कंट्रियों में या तो बिना वीजा के जा सकता है मतलब वहाँ पर वीजा अलाउ नहीं है, वीजा मतलब बिना वीजा की अनुमति होती है, या फिर वीजा ऑन जो
अराइवल की सिचुएशन होती है। कई बार देखो कुछ कंट्रीज़ क्या होती हैं, वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी रखते हैं कि आप वहाँ पे ट्रेवल करिए और जो ही आप वहाँ के जो एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे तुरंत वीज़ा दे दिया जाएगा कि हाँ भाई आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो उन कंट्रीज़ को टोटल रैंकिंग देखा जाए तो सिंगापुर के पासपोर्ट के पास ये सुविधा है कि जिस भी इंसान के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है वो 159 कंट्रियों में डायरेक्टली जा सकता है, या तो उसको वहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा मिल जाएगा या उसको वीज़ा की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब काफ़ी जो अच्छी कंट्री होती है, काफ़ी स्ट्रेंथ वाली होती है, उसको पासपोर्ट इंडेक्स वो जारी किया जाता है। तो यही देख लेना बस कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है आर्टून कैपिटल के द्वारा। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।